हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल कुंश पर। और आज की वीडियो में हम कुछ सेटिंग्स की बात करेंगे जो आप YouTube की वीडियोस में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तीन डॉट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद क्वालिटी पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आप हर वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी ऑटोमेटिक मोड पर कर रखी है जो कि है 360 पिक्सल। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी सेटिंग की बात करते हैं जिसका नाम है कैप्शंस। तो दोस्तों, कैप्शंस एक टाइप की सबटाइटल्स हैं जो वीडियो की नीचे वाली साइड आती रहती हैं। उसमें वो लिखा आता रहता है जो स्पीकर बोल रहा होता है। तो कुछ लोग इसको डालते अपनी वीडियो पर और कुछ लोग नहीं। तो अगर ये कैप्शंस डली हैं तो इसको ऑन करने की मैं भी आपको टेक्निक बताता हूँ। तो इसके लिए भी आप पहले तीन डॉट्स पर क्लिक कर कीजिए, फिर कैप्शंस पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इंग्लिश की कैप्शंस डाल रखी हैं। तो चलिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो और आपका स्वागत है। तो इससे इंग्लिश की कैप्शंस आती रहेंगी, लेकिन ये ऑटो जनरेटेड हैं तो इसलिए ठीक नहीं आएंगी, क्योंकि मैं इसमें हिंदी में बोल रहा हूँ। तो इसके लिए हमें डालनी पड़ेंगी। तो चलिए अगली सेटिंग की बात करते हैं जो कि है प्लेबैक स्पीड। दोस्तों, इससे आप वीडियो की चलने की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पहले तीन डॉट पर क्लिक करना है, फिर प्लेबैक स्पीड पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि अभी मेरी प्लेबैक स्पीड नॉर्मल है। अगर नॉर्मल से ऊपर है उससे स्पीड कम हो जाएगी वीडियो की, और नॉर्मल से नीचे वीडियो की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर मैं 2x करता हूँ तो वीडियो डबल स्पीड में चलेगी। तो चलिए अब लास्ट सेटिंग की बात करते हैं जो कि फास्ट फॉरवर्ड। तो इसके लिए पहले आपको वीडियो को प्ले करना है। आज की वीडियो में हम फिर आपको उसके बाद राइट या लेफ्ट साइड पर डबल टैप करना है। अगर आप राइट साइड पर डबल टैप करेंगे तो वो 10 सेकंड्स फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी आगे की साइड, और अगर आप लेफ्ट साइड फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आप 10 सेकंड्स पीछे चले जाएंगे वीडियो में। आप जितनी बार डबल टैप करते रहेंगे वो उतनी आगे फास्ट फॉरवर्ड होती रहेगी। जैसे कि देखिए, मैंने दो बार अगर डबल टैप करा तो वो 20 सेकंड्स आगे फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन आपको एक साथ दो बार डबल टैप करना होगा। ऐसे ही आपको अगर पीछे जाना है 10 सेकंड्स वीडियो में तो लेफ्ट साइड टैप करिए। लेकिन अगर आपको 20 सेकंड्स के लिए जाना है पीछे वीडियो के आगे तो आपको तीन बार ही टैप करना होगा। बस आप एक बार डबल टैप कीजिए और फिर उसके साथ ही अगला क्लिक करिए। ऐसे ही अगर आप एक बार डबल टैप करने के बाद जितने क्लिक करेंगे आप उतने ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे वीडियो की राइट साइड या लेफ्ट साइड। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ऐसी चैनल की सेटिंग्स पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।